नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा अवस्थी और आज के हमारे ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्पेशल रिक्वेस्ट के मुताबिक या स्पेशल रिक्वेस्ट के कारण आज का ये एपिसोड हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं प्रॉपर वे पे कैनन के कैमरे यूज़ करता हूँ, बट ये जो रिक्वेस्ट थी ये है निकॉन के लिए और लोगों का ये पूछना था कि भाई सर, निकॉन के कैमरे में क्या सेटिंग होनी चाहिए। निकॉन का जो कैमरा है 750 कैमरा, उसकी सेटिंग्स क्या होनी चाहिए वेडिंग के लिए, और साथ ही साथ वो ये भी जानना चाहते हैं कि निकॉन के कैमरे जो हैं वो कैसे हैं वेडिंग के लिए। तो आइए दोस्तों, इसी टॉपिक पे बात करते हैं फटाफट। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि निकॉन D750 कैमरा जो है वो वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है निकॉन सीरीज़ का, और स्पेशली वेडिंग के लिए इन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। ये जो D750 कैमरा है, ये बहुत सारे वेडिंग फ़ोटोग्राफी के ऊपर इसने अवार्ड जीते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी लो लाइट कंडीशन बहुत अच्छी है। लो लाइट कंडीशन पे ये कैमरा बहुत ही बेहतरीन काम करता है, या ये बोलें कि ये ताबड़तोड़ काम करता है। इसके अलावा दोस्तों, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक बजट कैमरा है। अगर आप किसी भी फुल फ्रेम में जाएँ, जैसे आप कैनन पर जाएँ या आप सोनी पर जाएँ, तो जितने फीचर्स निकॉन D750 देता है जिस बजट में, उतने कोई भी फुल फ्रेम वाला कैमरा उस बजट में नहीं देता है। सबसे मेन चीज़ ये है कि भाई अगर आप मार्केट में लेने जाते हैं कैनन के कैमरे, तो D6D Mark II अगर आप लेते हैं आज के रेट पे, तो आई थिंक वो अराउंड 175,000 के समथिंग का वो कैमरा है। और ये जो कैमरा है ये समथिंग, मुझे जितना आइडिया है, हालांकि ये मेरा कैमरा नहीं है, ये मेरे एक फ्रेंड का कैमरा है, और मैं आपको बता दूं कि मैं कैनन के कैमरे को ज़्यादा पसंद करता हूँ। निकॉन के कैमरों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, बट मेरे पास कैनन सीरीज़ के लेंसेज हैं प्रॉपर, तो मैं कैनन के कैमरों पे ही हूँ और उसी पे ही स्विच रहूँगा, दूसरे किसी कैमरे में स्विच नहीं होऊँगा फ़िलहाल अभी। तो बहरहाल इस बात पे आते हैं कि भाई निकॉन का D750 जो कैमरा है उसकी सेटिंग्स क्या क्या होनी चाहिए, आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कैमरे के बहुत सारे बटन हैं, जैसे AEFE लॉक बटन या बैक फोकस बटन यहाँ पे दिया हुआ है। और अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पे क्या कैसी सेटिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बंधु हैं जो मेन्यू में जाके यहाँ से प्रॉपर सेटिंग करते हैं इस तरीके से। ये कोई बुरी बात नहीं है, बट मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर जो बटन, जैसे कि मेन्यू का, वाइट बैलेंस का, क्वालिटी का, ISO का, तो आप इन बटन को डायरेक्ट दबा के भी यहाँ से आप सेटिंग्स कर सकते हैं, आपको इसके लिए अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं यही बताना चाहूँगा आपसे कि हमारी सेटिंग क्या कैसी होनी चाहिए। अब यहाँ से मैं इन्फो का बटन प्रेस करता हूँ, और इन्फो का बटन प्रेस करने से मेरा डिस्प्ले यहाँ पे आ जाता है। अब अगर मैं यहाँ से WB यानी वाइट बैलेंस के बटन को प्रेस करूँगा, तो देखिए वाइट बैलेंस का जो है, वाइट बैलेंस जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो आप दोस्तों यहीं से ही, यहाँ से देखिए दो डायल है मेरे पास, एक थंब डायल है और एक फिंगर डायल है। यहाँ से जो एक डायल होता है इसे हम फिंगर डायल बोलते हैं, और यहाँ पर एक जो डायल है ये देखिए, ये वाला, ये है आपका थंब डायल। तो मैं थंब डायल और फिंगर डायल दोनों का यूज़ करूँगा, और जब भी मैं जिसे भी चेंज करूँगा मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा कि मैं थंब डायल यूज़ कर रहा हूँ या फिर फिंगर डायल यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए, आप अगर वाइट बैलेंस आपको सेट करना है, आप अगर किसी सिचुएशन में हैं, तो आपको अंदर यहाँ पे जाके, और यहाँ से आपको यहाँ पर आने के बाद यहाँ अगर आप वाइट बैलेंस में जाएंगे, तो इतना लंबा प्रोसीजर में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक हैवी बॉडी यूज़ कर रहे हैं, आप एक अच्छा मतलब प्रोफेशनल DSLR कैमरा यूज़ कर रहे हैं। तो प्रोफेशनल DSLRs की यही सबसे बड़ी खूबी होती है कि भाई वो सारे के सारे जो आपके सेटिंग्स हैं उनको बाहर के बटनों में कर देता है, जिससे आप इजी वे पे फटाफट काम कर सके। तो देखिए, अगर आपको वाइट बैलेंस सेट करना है, तो भाई आप सीधा यहाँ पे प्रेस करेंगे वाइट बैलेंस का बटन, ये वाइट बैलेंस के बटन को मैं प्रेस करके रखता हूँ, और अगर मैं थंब डायल प्रेस करता हूँ, थंब डायल घुमाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर देखिए आप ये केल्विन, और यहाँ से आप ये शेडो, यहाँ से क्लाउडी, यहाँ से फ्लैश, और ये डायरेक्ट सनलाइट, टंगस्टन, और ये ऑटो वाइट बैलेंस, ऐसा कोई भी वाइट बैलेंस जिसमें आप जाना चाहें वो इजी वे पे आप यहाँ से जा सकते हैं, यही इसकी सबसे मेन चीज़ है। अब अगर आपको लगता है भाई कि आप यहाँ से, देखिए मैं यहाँ से वाइट बैलेंस ऑटो में आ गया हूँ, ऑटो वाइट बैलेंस के बाद भी अगर आपको इसे B1, B2 या A1, A2 में जाना है, जैसे B5 में चला गया मैं, यहाँ से देखिए आप ये चेंजेस होता जा रहा है, तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं,
वाइट बैलेंस डायरेक्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जिससे आपका काम बहुत ईजी और फटाफट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ से आप क्वालिटी चेंज कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैं क्वालिटी के बटन को प्रेस करता हूँ और यहाँ पे देखिए आप इमेज क्वालिटी और इमेज साइज़ दोनों लिखा हुआ आता है। अगर मैं थंब डायल को प्रेस करता हूँ तो यहाँ से मैं इमेज क्वालिटी को रॉ प्लस जेपीजी, रॉ प्लस बेसिक जेपीजी, यहाँ से इस तरीके से मैं चेंज कर सकता हूँ। आप अगर वेडिंग में शूट करते हो तो आप डेफिनेटली रॉ में खींचें, आप फैशन पे शूट करते हो तो पर भी आप रॉ में खींचें, क्योंकि रॉ जो है वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। तो यहाँ से देखिए मैं रॉ प्लस जेपीजी सेट कर देता हूँ, तो आपकी जो सेटिंग होगी वो इस टाइप की होगी, रॉ प्लस बेसिक जेपीजी। यहाँ से आप इमेज साइज डिसाइड कर सकते हैं, भाई अगर आपको स्मॉल साइज़ में खींचना है या फिर आपको मैनुअल मीडियम साइज़ में खींचना है या फिर आपको लार्ज साइज़ में खींचना है, तो आप हमेशा लार्ज में खींचें। इसके अलावा आप यहाँ से ISO भी डिसाइड कर सकते हैं डायरेक्टली यहीं से। अब इसका बेनिफिट क्या है, अगर आप ISO के बटन को प्रेस करके रखते हैं और थंब डायल को यहाँ से घुमाते हैं तो देखिए यहाँ से आप डायरेक्ट ISO फटाफट यहीं से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ से फिंगर डायल को घुमाता हूँ, यानी कि ये वाले बटन को यहाँ से घुमा रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि ISO जो है वो ऑटो ISO में चला जाता है। यदि आप ऑटो ISO को यूज़ करते हो तो आप यहीं से डायरेक्ट ISO से ऑटो ISO में जा सकते हैं, जबकि इसके लिए आपको मेन्यू में जाके बहुत अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये देखिए, ये जो बटन है इसे हम बोलते हैं फोकस का बटन। यहाँ पे देखिए AF और M लिखा हुआ रहता है, अगर आप इसे दबा देते हैं इस तरीके से तो देखिए यहाँ से फोकस एक्टिवेट हो जाता है, और यहीं से आप AFA, AFC, AFS यानी ऑटो फोकस सिंगल पॉइंट और यहाँ से फोकस एरिया, दोनों यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ईजी वे पे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है, अंदर की सेटिंग, हम जो मेन्यू की जो सेटिंग है उससे बताने से पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि भाई यहाँ पहले आपके पास जो शॉर्टकट्स दिए हैं उनको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैनुअल मोड, अपर्चर प्रायोरिटी मोड, शटर प्रायोरिटी मोड एंड प्रोग्राम मोड की, तो आप चाहें तो आप मैनुअल मोड और अपर्चर प्रायोरिटी मोड का यूज़ करके वेडिंग में बहुत अच्छा आपका काम निकाल सकते हैं। फिलहाल मैं अपर्चर प्रायोरिटी एंड मैनुअल मोड में मोस्टली ज़्यादा खींचता हूँ। इसके अलावा दोस्तों, अब अपन चलते हैं यहाँ से आपका मेन्यू में, मेन्यू के अंदर क्या क्या सेटिंग्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए, अब मैं सबसे पहले चलता हूँ यहाँ पे प्लेबैक मेन्यू में। प्लेबैक मेन्यू में डिलीट के ऑप्शन से आप डिलीट कर सकते हैं, और ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो अब मैं जाता हूँ कि भाई वाइट बैलेंस का जो ऑप्शन है ये मैंने आपको बाहर ही बता दिया था। सेट पिक्चर कंट्रोल के अंदर जाके आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको स्टैंडर्ड में खींचना है, न्यूट्रल में खींचना है, या फिर विविड में खींचना है, या मोनोक्रोम में खींचना है, या पोर्ट्रेट में खींचना है, या फिर लैंडस्केप में खींचना है। और सबसे अच्छी बात जो कि निकॉन D750 में दिया हुआ है कि आप फ्लैट पिक्चर प्रोफाइल में क्लिक करके, या अगर आप वीडियो शूट करते हैं या आप सिनेमेटोग्राफी करते हैं, DSLR सिनेमेटोग्राफी अगर आप करते हैं तो आप फ्लैट पिक्चर प्रोफाइल इसमें डायरेक्टली दिया हुआ है। आपको स्पेशली यहाँ से न्यूट्रल में जाके उसे सेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे फ्लैट पिक्चर प्रोफाइल में आ जाएं और वहाँ पर आसानी से आप एक अच्छा वीडियो शूट यहाँ पर जाके शूट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप रॉ पे शूट करते हो तो आप डेफिनेटली यहाँ से सेट पिक्चर कंट्रोल में जाने के बाद आप चाहे स्टैंडर्ड में शूट करें चाहे न्यूट्रल में शूट करें, बाद में भी उसे पोस्ट प्रोसेसिंग वर्क में इजीली चेंज कर सकते हैं। बट अगर आप जेपेग में शूट कर रहे हो तो आप स्टैंडर्ड में शूट करें, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। उसके अलावा अब हम आते हैं कलर स्पेस, तो कलर स्पेस हमेशा आपको sRGB रखना है, sRGB आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। एक्टिव डी लाइट, कई लोग यहाँ पे कलर स्पेस में sRGB के बदले एडब RGB भी रखते हैं, बट मैं फ़िलहाल sRGB रखता हूँ। सो दोस्तों, मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ, ये क्या परफेक्शन है और क्या नहीं है ये मैं आपको फ़िलहाल नहीं बोल सकता, बट मैं sRGB रखता हूँ। एक्टिव डी लाइट आपको ऑफ रखना चाहिए इन द सिचुएशन, अगर आपको लगता है कि आपके पास बैक लाइट जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, देन आप इसको यहाँ से नॉर्मल या हाई पे रख के शूट कर सकते हैं, बाकी मोस्टली टाइम हम इसे ऑफ ही रखते हैं। इसके अलावा ये है विग्नेट कंट्रोल, अगर आपको लगता है कि आपके इमेज में थोड़ा सा विग्नेटिंग देना है तो आप यहाँ से विग्नेट पे भी विग्नेट यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं, फिलहाल ये ऑफ रहे तो ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ पे देखते हैं ऑटो डिस्टॉर्शन कंट्रोल, ये आपका ऑन रहना चाहिए। लॉन्ग एक्सपोजर नॉइस रिडक्शन ऑफ है, अगर आप चाहें तो इसे ऑन रख सकते हैं। अगर इसे ऑन रखते हैं, अगर आप कोई लॉन्ग एक्सपोजर शूट कर रहे हैं और उसमें नॉइस आने की संभावना है, तो आप अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो आपके जो इमेज है उसमें नॉइस नहीं आती है।
सो आप अगर लॉन्ग एक्सपोजर क्लिक करते हो तो आप इसे ऑन करके भी रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं फटाफट नीचे आता हूँ, यह है एक मल्टी एक्सपोजर का ऑप्शन। अगर आपने इसे यूज़ नहीं किया है तो मैं बहुत जल्दी इसके ऊपर एक बहुत प्यारा सा एपिसोड लेके आ रहा हूँ, आप उस एपिसोड को देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके अलावा और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि इमेज क्वालिटी हो गया, ये तो आपने देख ही लिया, इमेज साइज़ भी आपने देख लिया, इमेज एरिया देख लिया, जेपीजी कंप्रेशन, ये तो फिर बात की बात है, वाइट बैलेंस भी आपने देख लिया और कलर स्पेस भी आपने देख लिया। अब अपन आते हैं यहाँ से फोकस के तरफ, या मैं पहले थोड़ा सा वीडियो के बारे में आपको बता दूँ, तो वीडियो के बारे में आपको बताने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ मैं जाता हूँ इस लाइव व्यू में इस तरीके से। अब अगर मैं इस लाइव व्यू में चला जाता हूँ तो क्या होता है, मेरा कैमरा चला जाता है वीडियो मोड में। अब दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर आप ये इन्फो दबाएं, सॉरी अगर आप ये इंटेलिजेंस का बटन दबाएं, आई का यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से आप कहाँ जाना है, आपको सबसे पहले आपको यहाँ नीचे जाना है और यहाँ से जाना है कि भाई यह ये हेडफोन वॉल्यूम जो है इसे आपको कर देना है अराउंड 21% के आसपास। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है हाईलाइट डिस्प्ले, तो ये जो ज़ीब्रा है, ये जो हाईलाइट डिस्प्ले है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसे आपको हमेशा ऑन रखना चाहिए। जैसे आप इसे ऑन रखेंगे और देखिए अगर आपका यहाँ पे लाइट बढ़ती है तो यहाँ पे ये दिखा देगा कि भाई आपका जो आपने जो शूट किया है उसमें जो आपका जो डाटा है वो देखिए इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा। तो आपको इससे ये समझ में आता है कि भाई आपको कितना ओवर या अंडर फोटोशूट करना है। अब इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैं ऊपर चला जाता हूँ और यहीं से आप मॉनिटर के ब्राइटनेस को भी सेट कर सकते हैं। यहीं आप जाके यहाँ से आप फ्रेम रेट्स डिसाइड कर सकते हैं कि आपको 50 PPI खींचना है या 1920x1080 60 PPI खींचना है। मोस्टली 1920x1080 60 PPI आपको शूट करना चाहिए या फिर आप शूट करते हैं, क्योंकि आपको बाद में पोस्ट में इससे स्लो मोशन करने में इजीली जाता है, तो आप यहाँ पे ये सेटिंग रख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जान सकते हैं दोस्तों। ये था आपका बेसिक वीडियो के लिए। तो दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो बहुत काम का है, हम इसके लिए जाते हैं मेन्यू में। मेन्यू में जाने के बाद हम जाते हैं यहाँ से कस्टम सेटिंग मेन्यू में। कस्टम सेटिंग मेन्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हम जाते हैं कंट्रोल्स में जो कि F है। यहाँ पे आप देखिए ऑटो फोकस के लिए आपको A में जाना है, मीटरिंग के लिए आपको B में जाना है, टाइम्स के लिए आपको C में, ऐसा करके अगर आप नीचे आते हैं F में तो यहाँ पे आपको कंट्रोल्स दिए हुए हैं। कंट्रोल्स में आने के बाद आप सीधा देखिए यहाँ पे F4 में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे असाइन AL और AE बटन यहाँ पे दिया हुआ है, इसे इसके अंदर आप चले जाएँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके अंदर जाना है और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है AF ऑन। यहाँ से अगर आप AF ऑन के बटन पे क्लिक कर देंगे इस तरीके से, तब क्या होगा, आपका जो कैमरा है वो बैक बटन फोकस करने लग जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। यानी कि अब आपको फोकस करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से फोकस कर सकते हैं इस तरीके से। आप किसी भी सब्जेक्ट को ले लें, अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट है लाइक इस तरीके का कोई सब्जेक्ट है, अब अगर आपको फोकस करना है तो मैं AF बटन को डायरेक्ट प्रेस करूँगा और ये फोकस यहाँ से ईजी हो जाएगा। तो यह भी आपके लिए जो है एक बहुत अच्छा फीचर है। आप अगर वेडिंग के वीडियोस करते हैं और फोटोग्राफ्स भी खींचते हैं तो अगर आप बैक बटन फोकस यूज़ करते हैं, जिससे क्या होगा, आपकी फोकसिंग जो है वो बहुत फास्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आई होप आपने इसकी सेटिंग्स देखी होगी। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप कैमरा यूज़ करते हैं निकॉन D750 तो आप बिल्कुल सही कैमरा यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके माइंड में ये आता है कि भाई निकॉन के कैमरे अच्छे हैं या फिर सोनी के कैमरे अच्छे हैं या फिर कैनन के कैमरे अच्छे हैं, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वही कैमरा आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको लगता है कि सोनी में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो सोनी बहुत अच्छा है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि अगर हम कैनन की बात करें तो उसमें डुअल पिक्सल ऑटो फोकस है, इसलिए आप वेडिंग शूट में इजी वे पे आप ऑटो फोकस में काम कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप निकॉन में ऐसा काम ना कर सके या निकॉन में आप अच्छा काम ना कर सके। बहुत सारे ऐसे वेडिंग फोटोग्राफर हैं, बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर हैं जो निकॉन में बिल्कुल बेहतरीन काम करते हैं और शायद हमसे भी अच्छा काम करते हैं। तो दोस्तों निकॉन रॉन्ग चॉइस नहीं है, ना ही कैनन रॉन्ग चॉइस है और ना ही सोनी रॉन्ग चॉइस है। जो आपके हाथ में आ गया वही आपके लिए बेस्ट है, ये समझ के अगर आप फोटोग्राफी करते हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। सबसे मेन चीज़ है दोस्तों फोटोग्राफी में प्रैक्टिसिंग और अपने कैमरे के बारे में कंप्लीट नॉलेज।
तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपके पास जो भी कैमरा है, चाहे वो कैनन हो, चाहे सोनी हो, चाहे वो निकॉन D750 हो, आप उसे पहले प्रॉपर वे पे समझें, उसमें कौन से बटन कहाँ पर दिए हुए हैं, उसके क्या रीजंस हैं, उसके बारे में समझें। मैंने फ़िलहाल D750 का एक बेसिक जो चीज़ें थी वो आपको आपके साथ शेयर की हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि अगर आप इन बेसिक्स बटन के बारे में भी समझ जाते हैं या इनको यूज़ करना समझ जाते हैं तो आपका काम बेहतरीन हो जाएगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और दोस्तों, इसके साथ ही हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड है वो स्पेशली है कि कैनन वर्सेस निकॉन का कंपैरिजन, और मुझे निकॉन के कैमरे के अलावा कैनन के कैमरे क्यों पसंद है, इस टॉपिक पे भी बात मैं करूँगा इसके ठीक नेक्स्ट सीजन में। तो आज का ये एपिसोड देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा। और दोस्तों, साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम में ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि हम इंस्टाग्राम में बहुत जल्दी आपके लिए लाइव सेशंस लाने वाले हैं और हम इंस्टाग्राम में आपको बहुत सारी चीज़ें अपडेट देने वाले हैं। इसके अलावा आप हमारा वर्क हमारे वेबसाइट में भी जाके देख सकते हैं, वहाँ पर भी हमारे वर्क्स आपको दिख जाएंगे। वेडिंग का वर्क देखने के लिए हमारी एक अलग से हमारा एक अलग से चैनल है जिसका नाम है द वेडिंग आर्ट्स, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ पे जाके हमारे वेडिंग के वर्क देख सकते हैं, हमारे वेडिंग के वीडियोस देख सकते हैं, और आई थिंक हो सकता है उससे भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। आज का ये ट्यूटोरियल देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।